नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार नमाजियों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। मगर फिर भी कुछ जाहिल बाज आने के लिए तैयार नहीं है। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर नमाज पढ़ने की खबर सामने ना आई। और तो और, रमजान के पाक महीने में भी ये लोग नापाक हरकत करने में लगे हुए हैं। ऐसे जाहिलों पर लगातार तगड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है, मगर फिर भी ये लोग बेशर्मी की हदों को पार करना नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और, ये लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जिद करते हुए किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाने में लगे हुए हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां नमाज और अजान पर निर्देशों से गुस्साए तनवीर खान नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात तक कह दी। तनवीर खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से सीएम योगी के खिलाफ जहरीली पोस्ट करते हुए लिखा कि दिलदार नगर और पूरे काम सरोवर में अजान नहीं हो रही है, योगी को गोली मार दो। इस पोस्ट में गोली मारने की बात करते हुए सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है। जब ये पोस्ट वायरल हुई तो तनवीर खान ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। भले तनवीर ऐसा करके अपने आप को सबसे बड़ा दिमागी समझ रहा हो, मगर कुछ लोगों ने ट्विटर पर उसके पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से इस पर संज्ञान लेने की अपील की, जिस पर एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने कहा है कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कट्टरपंथ से भरे तनवीर खान को यूपी पुलिस में कार्यरत बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उसकी वर्दी पहने फोटो भी शेयर की जा रही है। शायद तनवीर खान भूल गए हैं कि जिस सूबे के मुखिया को गोली मारने की वो बात कह रहे हैं, ऐसे जहलील नागों का फन भी वो बहुत जल्दी कुचलते हैं। और इस बात के सबूत पिछले कई महीनों में पूरा देश भी देख चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक सोशल मीडिया पर उपद्रव मचा रहे 578 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। ये ऐसे केस हैं जिन पर कोरोना वायरस के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और घृणा फैलाने के आरोप हैं। रमजान महीने में योगी सरकार ने मुस्लिमों से मस्जिद के बजाय घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जाहिलों की फौज ऐसी अपीलों को अनसुना कर रही है और जमात इकट्ठा करके मस्जिदों में नमाज के लिए पहुंच रही है। ऐसे जाहिल लोगों को पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।